राजधानी लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पदाधिकारियों के साथ में बैठक की। बता दें कि इस बैठक में प्रदेश के पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक की भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। वहीं आयोजित बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम अपनी पार्टी को मजबूती की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ सीट बंटवारे को लेकर मंथन किया जा रहा है। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि जो इंडिया गठबंधन है उनसे भी वार्ता हो रही है, आने वाले समय में इसका रिजल्ट दिखाई देगा। लखनऊ से संवाददाता राशिद अलवी की रिपोर्ट। साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। लगातार समाजवादी पार्टी और यहां पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता समय समय पर बैठे हैं, समय समय पर संगठन की बैठक भी हुई है। आज ये महत्वपूर्ण बैठक भी है जिसमें बहुत सारे समाजवादी वरिष्ठ नेता जो पूर्व में लोकसभा में रहे, विधायक रहे या एमएलसी रहे, उनके बीच में बैठक हुई है। कुछ बातों पर चर्चा की है हम लोगों ने। आने वाले समय में 26 तारीख को गणतंत्र दिवस जब मन रहा होगा, पूरा देश मनाएगा, तो हमारी पार्टी का पूरा संगठन गांव स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा।